इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से मिलेंगे चार मंत्री और दो विधायक, नेतृत्व परिवर्तन की करेंगे मांग। तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के नेतृत्व में रावत से मिलने देहरादून आएंगे कांग्रेसी मंत्री और विधायक, दिल्ली में संगठन महासचिव से भी मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब कांग्रेस में बदलाव पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का चौंकाने वाला बयान, का प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बदलाव के समय ऐसे हालात की थी उम्मीद। हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस में बगावत मानने से इनकार किया, विवाद सुलझाने की जताई उम्मीद, कहा सभी को पार्टी नेतृत्व पर भरोसा है। सिद्धू समर्थक प्रगट सिंह ने कहा मुद्दे नहीं सुलझने के कारण विधायकों में है गुस्सा, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को सभी विधायकों की बैठक बुलाकर सभी मुद्दों पर विचार करने को कहा। पंजाब के गन्ना किसानों ने खत्म किया आंदोलन, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने गन्ने की कीमत 360 रुपए प्रति क्विंटल करने का भरोसा दिया है। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे नारायण राणे, राणे के घर जाकर वकीलों ने मुलाकात की। कल पुणे, नासिक, ठाणे और महाड़ में दर्ज हुई थी राणे के खिलाफ चार एफआईआर, वकीलों ने राणे से मिलकर पूरी की कागज की प्रक्रिया। जमानत मिलने के बाद राणे को नासिक पुलिस ने भेजा नोटिस, 2 सितंबर को पुलिस थाने में पेश होने को कहा है। राणे को जमानत के बाद बेटे नितेश राणे ने कहा शिवसेना को मिलेगा जोरदार जवाब, फिल्म राजनीति का एक सीन ट्वीट करके किया पोस्ट। कल हुए हंगामे को देखते हुए मुंबई पुलिस अलर्ट, नारायण राणे के घर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। कोर्ट से उद्धव सरकार को झटका, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मिली जमानत, महाड़ मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 15,000 के निजी मुचलके। जमानत मिलने के बाद शिवसेना ने राणे पर हमला बोला, मुखपत्र सामना में राणे की तुलना छेद वाले गुब्बारे से की, कहा कितना भी फुला दो बहुत ऊपर नहीं जाएगा गुब्बारा। सामना में साधा राणे पर निशाना, गैंगस्टर और गिरगिट से तुलना की। नारायण राणे के करीबी विधायक प्रसाद लाड ने की पुलिस में शिकायत, कहा फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने पर एएमयू कुलपति की निंदा, कैंपस में जगह जगह चिपकाए गए पोस्टर, कुलपति ने प्रेस रिलीज जारी करके निधन पर शोक जताया था। इंदौर में नाबालिग से छेड़छाड़ और फर्जी आधार कार्ड मामले में पुलिस ने चूड़ी वाले तस्लीम को गिरफ्तार किया, तस्लीम के पास से मिले थे अलग अलग 3 आधार कार्ड। चूड़ी वाले तस्लीम को आज कोर्ट में पेश करेगी इंदौर पुलिस, भीड़ ने तस्लीम की पिटाई की थी, कल हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस थाने का घेराव किया था। चांदीवाल आयोग के सामने पेश होने के लिए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भेजा गया 4th नोटिस। मुंबई यूथ कांग्रेस में बड़ा बवाल, कल कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए सूरज ठाकुर का इस्तीफा, बाबा सिद्दीकी के बेटे को MYC अध्यक्ष बनाने से नाराज हैं। बांदा की जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रयागराज की अदालत ने तय किया आरोप, 1997 में रुंगटा परिवार को विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी थी। बिहार में 11 चरण में होंगे पंचायत चुनाव, 24 सितंबर से पहले चरण और 12 दिसंबर को आखिरी चरण के वोटिंग होगी। वायुसेना चीफ RKS भदौरिया पहुंचे बेंगलुरु, सिंगल सीटर हल्का लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर को साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के साथ वार्षिक समीक्षा बैठक की, बैंकों को कामकाज की समीक्षा की। काबुल से लोगों को निकालने पर बाइडेन का सहयोगी दलों से मतभेद, बाइडेन 31 अगस्त तक रेस्क्यू मिशन पूरा करने पर अड़े, कई देश और समय की मांग कर रहे हैं। G7 देशों की बैठक में ब्रिटिश PM जॉनसन ने कहा हम आखिरी वक्त तक मिशन करेंगे पूरा, 31 अगस्त के बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर सैनिकों की मौजूदगी के पक्ष में है जॉनसन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा तालिबान के खिलाफ G7, नेटो और यूरोपीय यूनियन एकजुट हैं, तालिबान के फैसलों पर रखेंगे करीबी नजर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साधा बाइडेन पर निशाना, रेस्क्यू मिशन के नाम पर काबुल से हजारों आतंकियों को एयरलिफ्ट किए जाने की जताई आशंका। अफगानिस्तान में पाकिस्तान हुआ बेनकाब, पंचशीर घाटी के पास कपीसा में मारे गए तालिबान आतंकी के पास मिली है पाकिस्तानी नागरिक का ID। अहमद मसूद के नेतृत्व में लड़ रही रेजिस्टेंस फोर्स के हाथों मारा गया आतंकी मोहम्मद बिलाल का मौजूदा निवास UAE लिखा था, 2019 में पाकिस्तान से जारी हुआ था ID। पंचशीर घाटी पर कब्जे के लिए तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स में लड़ाई तेज, तालिबान ने कई इलाकों पर कब्जा किया। अंद्राब घाटी में रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों के साथ नजर आए अहमद मसूद, लड़ाकों में तालिबान के साथ लड़ाई में बड़ा जोश। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान को रोकी मदद, अफगानिस्तान के हालात पर जताई गहरी चिंता। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अराजकता जारी, हजारों की भीड़ रोजाना पहुंच रही है, 31 अगस्त तक सभी लोगों को रेस्क्यू करना मुश्किल। अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा गाफी का छलका दर्द, कहा तालिबान मुझे खोजते हुए घर आए, मेरे पिता और गार्ड को पीटा, शरण देने के लिए जर्मनी सरकार को कहा धन्यवाद।
देश में 24 घंटे में कोरोना के 37,593 नए मामले सामने आए हैं। 648 लोगों ने दम तोड़ा है। केरल में कोरोना के 24,296 नए केस 24 घंटे में 173 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के 39 नए केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 114 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,355 नए केस 24 घंटे में 119 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब 27 नए मरीज मिले हैं। कुल पेशेंट्स का आंकड़ा अब 103 तक पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में के स्कूलों में 4 सितंबर तक और बंद करने का फैसला किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सुनाया फरमान। भारी बारिश की वजह से देहरादून में ढाया कहर। SDRF की टीम तैनात। कई इलाकों में चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। मथुरा में 8 दिन में डेंगू से 7 बच्चों की मौत से हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है जांच। बिहार के नालंदा में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 14 डिब्बे कोयले से भरे हुए थे। डिब्बे भिकाजी कामा प्लेस के सामने ट्रक के खराब होने से एम्स से धौलाकुआं की ओर जाने वाले कैरीवेज में यातायात बाधित। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी। बिहार के सीतामढ़ी में अस्पताल में घुसकर बदमाशों ने फायरिंग की। नर्स की मौत, डॉक्टर घायल। बिहार के गया में एक कॉन्ट्रैक्टर का मर्डर हुआ। परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस कर रही है जांच। मंगलुरु में पनंबूर बीच पर दिखा बेहिसाब कूड़ा। लोगों ने कहा 2 साल से प्रशासन नहीं दे रहा है बीच की साफ सफाई पर ध्यान। मदद की गुहार लगाई। Under-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से मिले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। प्रदर्शन की तारीफ की। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।